सर मेरा वेदांता के 153 शेयर है। कितना शेयर? 153। ठीक है ठीक है। 268 प्राइस पे है। ठीक है ठीक है। और सर एक अंबुजा का है 79 शेयर है, 332 रेट पे। कितना सेवर है? कितना शेयर अंबुजा सीमेंट का? 79। किस लेवल पे लिया आपने? 332। 332। चलिए सबसे पहले वेदांता पे आपको एक राय देते हैं अविनाश जी। वेदांता ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है 268 के लेवल पे, क्या नजरिया आपका बनता है? देखिए वेदांता का अगर मैं आउटलुक बताऊं तो अभी नियर टर्म में तो इन्होंने ऑलरेडी एक बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। वेदांता अभी 5 कंपनी में बटेगी जो अगले साल यू नो होपफुली शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स को अवेलेबल मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर इनको थोड़ा सा लंबा रखना है कम से कम साल डेढ़ साल का तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो नंबर्स वेदांता ने Q2 के लिए रिपोर्ट किया वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मेटल स्पेस में भी काफी चैलेंजेस है, लेकिन एक बार जब डीमर्जर होगा तभी इनको 5 कंपनीज में 5 अलग शेयर मिलेंगे और मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह काफी मिलेगी। बट इनके लिए कम से कम 12 से 15 महीना होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि तब तक डीमर्जर की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग और डीमर्जर के बाद इनको एक अच्छा अपसाइड मिलने की अपेक्षा रहेगी। ठीक है, एक और सवाल है इनका, वो है अंबुजा पे, और यहाँ पर उन्होंने 332 के स्तर पे खरीदारी की है तो जाहिर है मुनाफे में है। अंबुजा सीमेंट क्या नजरिया बन रहा है सर? देखिए अंबुजा सीमेंट्स में भी मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत समय के बाद चला है, प्राइसिंग पावर वापस आ चुकी है और अंबुजा सीमेंट्स में ज्योग्राफिकल रीच काफी अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम पे मार्केट पे बिकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई अगले साल डेढ़ साल में हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, काफी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है और इसका फायदा ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज को मिलेगा और अंबुजा सीमेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पहला टारगेट 450 रुपए का होगा, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। तो यहाँ पर और इसके साथ ही आपका जो दूसरा स्टॉक है उस पर भी आपको बने रहने की सलाह, वेदांता अंबुजा सीमेंट दोनों में बने रहने की सलाह। वेदांता में थोड़ा 1 से 1.5 साल का नजरिया रखिए और अंबुजा सीमेंट में चूंकि आपने निचले स्तर पर खरीदारी की है तो यहाँ पर भी बने रहने की आपको सलाह। सीमेंट सेक्टर इस वक्त शाइन करता हुआ